आपको मैं दिखाता हूँ मैं कितने ऊंचे पे हूँ। तो देखो भाई लोग, यही जगह से मैं आज रात भर नजारा का एंजॉय करने वाला हूँ कल सुबह का भी। फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगा रात भर, सुबह को व्यू कैसा आता है, शाम को व्यू कैसा आता है ये ऊंचाई वाला जगह से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज देशमुख और रोशन सिंह। तो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज तो मैं बहुत ही अलग सोचा है और आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखते रहिए गाइस, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को रास्ते पे बताऊं कि जाऊंगा मैं क्या करने वाला हूं आज का वीडियो। तो लेट्स गो। गाइस अभी जाने वाला है मेरा एडवेंचर जर्नी में। तो जाने से पहले मैं सोचा कि अभी जाने के साथ साथ तो मेरे को शिकार करके तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा मीट लेके जा रहा हूँ, दो लेग पीस लेके जा रहा हूँ चिकन। तो उसी को मैं अभी जाने के साथ साथ उधर में दिन को खाएगा और रात को तो खुद ढूंढ के खाएगा। तो अभी देखते रहिए आप लोग, और यहाँ पे दोस्त लोग है मेरा या तो उससे पहले मैं एक दादाजी को मिल के आता हूँ, मतलब यहाँ में मेरा एक दादाजी ऑलरेडी बैठता है, तो वो ही दादाजी को पहले मिल लेगा और उससे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो देख सकते हैं ये छोटा सा नदी है, और आप लोग देखते रहे ना, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेट्स गो। तो गाइस अभी जैसे कि मैं ऑलरेडी दादाजी का घर में पहुंच गया, और यहाँ मैं दादी माँ वो काम कर रहा है, और ये पानी स्टॉक ऑलरेडी, और ये देखो सुंदर सा नज़ारा। और ये मैं अभी ट्री हाउस में हूँ ऊपर में, तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और इधर में बहुत सारा प्लांटेशन किया हुआ है, और ये है दादाजी। तो इसी का पास में मैं आज कैंपिंग करूँगा ताकि मेरे को कोई तकलीफ ना हो। तो अभी देखते रहो। तो गाइस मैं अभी अपना ड्रेस वेस रेडी पहन के, अभी देखो मेरा सूट देख सकते हो, और ये मेरा हेड, और मैं शर्ट पहन के आया क्योंकि जंगल में तो बहुत सारा, अभी जैसे कि मानसून सीजन है, रेनी सीजन है, तो यहाँ में बहुत सारा लीचेस होगा और सांप भी होगा। अभी धूप निकल रहा है तो शायद सांप लोग भी अभी थोड़ा निकले और ख़ुद को सुखाने के लिए कोशिश करेगा। तो वही है, बहुत सारा रिस्क, बहुत सारा खतरनाक है इस जंगल पे। तो अभी मैं अपना जर्नी शुरू करने वाला हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग देखते रहना मेरा चैनल पर। दिस इज़ ब्रिंग अ लुक ऑफ योर देशमुख गार्ल, चेक इट आउट। गाइस एडवेंचर शुरू हो चुका है, अभी दादाजी को भी मिल चुका है, तो अभी निकल रहा हूँ मैं। पीछे में देख सकते हैं वो दादाजी का घर था, मतलब ट्री हाउस है। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज रात जहाँ में मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ में मैं ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले। उसके बाद ही मैं बैम्बो काटूंगा, बैम्बो काट के उसमें खाना वाना बना के खाऊंगा, और मैंने चिकन का लेग पीस लाया उसको भी जला के खाऊंगा। और जब शाम हो जाएगा, तो शाम हो जाएगा तो मैं फिशिंग करने के लिए जाऊंगा। तो फिशिंग होने के बाद मैं अपना बाइक को रखूंगा, और फिर रात के लिए इंतजाम करना पड़ेगा मेरे को वही मछली वगैरह। तो गाइस आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आज का वीडियो तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो मैं अभी फिलहाल, अब मेरा पीछे में देख सकता है सीनेरीज, वाओ मैन, ब्यूटीफुल। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एडवेंचर करने के लिए, और मैं स्पेशली निगम ब्रदर को भी मैं मैंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोस्त का गोप्रो लेके आया, इसलिए मैं थोड़ा अलग से यूनिक सा ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त का लेके आया तो हमेशा नहीं मिलेगा, जब तक मिलेगा तो अच्छा वाला वीडियो बनाना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग भी देखते रहिए और मेरे को भी सपोर्ट करिए, लेट्स गो। तो रेंगनी सौनी अम्बी सक्स का ग्रोंग चौक वा अम्बी को अंसा सुख नाम माई खबर नाम है आमा नाम है को बेरा मा मंगो उन्हें गान दे यंद केन तकाया मत केन खाम रंगान को मंदे मंदे रख प्ला बुरुआ चुको खानीन तकानीन सर सबा चुची दंगे दाल बा बेरा को ना रो बता ला गया है ना संची आगा दुम जमा नुक्ची आगा दुम जंदे रूता कौन रूपिया कलजा दिरी आदुम जा मत केन तकाया रे बाबू समय मनो दबे अम्बी दादी माँ को मिल चुका है, तो मैं अपना लैंग्वेज भी बात किया, तो मैं पूछा हालचाल कैसा है, घर गया कि नहीं, तो बोला कि बहुत महीने से वो घर नहीं गया, इधर में बैठ रहा है। तो गाइस वैसे ही है, तो अभी मैं अपना जर्नी शुरू कर दिया। मैं अभी
तो गाइस मैं फाइनली मेरे को जगह मिल गया और यहाँ मैं देख सकता हूँ ये खाली ट्री हाउस है। मतलब आज रात का कैंपिंग मेरे को इतना मेहनत करना नहीं होगा, ऑलरेडी मेरे को घर मिल चुका है। तो अभी मैं जहाँ में हूँ आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऊंचाई पे है, आपको मैं दिखाता हूँ मैं कितने ऊंचाई पे हूँ। तो देखो भाई लोग यही जगह से मैं आज रात भर नज़ारा का एंजॉय करने वाला हूँ कल सुबह का भी। फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा रात भर सुबह को व्यू कैसा आता है, शाम को व्यू कैसा आता है ये ऊंचाई वाला जगह से। फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी मेरा सब तैयारी हो गया, जैसे कि हमें कुछ लकड़ियाँ का भी तैयारी हो चुका है जैसे कि आग जलाने के लिए, और ये मेरा बैम्बो जहाँ मैं खाना बनाने वाला हूँ तो ये भी रेडी हो चुका है। और अभी क्या है पानी लेने जाना है, तो पानी लेने के लिए मैं अभी अपना दादाजी के पास जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देखते रहिए, बोरिंग मत होइए, लेट्स गो। यो अभी सब कुछ रेडी हो गया, मतलब खाना वाना का भी इंतजाम हो गया। ये रहा मेरा बैम्बो और इसमें मैं आज बना रहा हूँ, तो अकेला हूँ तो इसलिए एक ही बना रहा हूँ। तो शाम को सुनने को मिला है मेरा साथ दोस्त भी आएगा, क्योंकि ये थोड़ा जगह इतना ठीक नहीं है तो दोस्त को आधा रास्ता तक पिक करने जाना पड़ेगा मेरे को, तो वो भी आएगा। तो तब तक अकेला बैठने वाला हो, तो अभी 2 बज रहे हैं तो अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, तो खाना बनाने वाला हूँ, खाना खाने वाला नहीं है। और ये इसको मैं ऑलरेडी आग जला चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आग जलाया मैंने, तो देखते रहिए। ये रहा मैंने आग जला दिया, इसको और अच्छे से जलाना पड़ेगा। और फिर आग वग तो रेडी हो गया, अभी खाना बना के थोड़ा देर के बाद खाएंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं जैसे आप लोगों को मैं बोला था बेमो में खाना बना के खाने वाला दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी। तो लेट्स देखते रहिए, लेट्स गो। अभी लंच टाइम हो गया, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दे रहा कैसे मैं बनाया, तो अभी मेरा चिकन भी रेडी हो गया, ये देखो मेरा चिकन। और ये रहा मेरा खाना, तो मैं अभी अभी जस्ट बेम्बो से निकला हूँ, तो मैं इतना ही खाना होगा आज मेरे लिए, लेकिन इतना भी बहुत काफ़ी है जंगल में, क्योंकि ये जंगल का खाना है तो मतलब ज़्यादा ताकत है। तो ये मेरा चिकन, और गाय सब लोग देखते रहे ना, अभी मैं खाना खाने का टाइम हो गया। तो ये रहा चिकन और ये रहा खाना, सूखा सूखा नो डाली। मज़ेदार है, टेस्टी। खाबी मजा। मजा। ये मेरा लेग पीस, 4 बज गया, खाना वाना मैं उधर उधर जाके, मतलब अभी खाने का टाइम हो गया। तो देखते रहिए गाइस, अभी मैं खाना खा लेता हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाया अभी जैसे मैं बेम्बो में खाना बना के चिकन विकन चला के अभी खाना खा रहा हूँ। तो अभी आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं यहाँ में आने से। तो गाइस लेट्स गो। तो गाइस अभी क्या है, अकेला हूँ, म्यूजिक है, नेचर है, मज़ा लग रहा है, खाना वाना तो खा लिया, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि रात का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं सोचा था फिशिंग करके खाऊंगा, लेकिन दोस्त लोग पोर्क का मीट लेके आ रहा है बोल के सुनने को मिला है, तो अकेला बैठने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोस्त लोग को भी बुला लिया, तो अकेला ही बैठा मैं यहाँ में। 10 बजे को निकल के आया, तो अभी 4 बज गया, तो इतना टाइम तो मैं अकेला ही बना के खाया, लेकिन अभी दोस्त लोग आ रहे हैं क्योंकि रात को ठहरने के लिए मेरा साथ, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस सब लोग देखते। तो गाइस क्या ही बोलूँ यार, काम तो बंद रहे, अभी थोड़ा सा नीचे जाके आता हूँ, थोड़ा ये गोप्रो का चार्ज नहीं है, इसका थोड़ा चार्जिंग करके
ताकि मैं आप लोगों को रात का नज़ारा दिखा सकता हूँ ये जंगल का। तो मतलब पास में ही है गाँव लेकिन थोड़ा जंगल एरिया है, थोड़ा रिस्क ही ऑब्वियसली है। तो मैं भी ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कैसे सर्वाइव करता है ये जंगल में, तो आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ मैं, तो देखते रहना। लेट्स गो, अभी जाने का टाइम हो गया। तो ये है वो नज़ारा और ये है वो एरिया। अगर आप लोगों को डर लगता है कैंपिंग करने के लिए तो आप लोग यही एरिया में कर सकते हैं, यहाँ में सेफ रहेगा आप लोग, पानी वानी का भी चिंता नहीं है। अगर मतलब जैसे कि विंटर सीजन में आप लोग आया यहाँ पे, जैसे कि नवंबर दिसंबर को तो आना है मत, क्योंकि धान का टाइम है तो हाथी होता है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को आने से यही जगह में आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में कैंपिंग थोड़ा ख़राब है क्योंकि इंसेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब आपको थोड़ा ऊपर में करने से ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग देखते रहना, अभी जा रहे हैं हम लोग। ये वाला थकोगे थोड़ी होगा, जंगली वाला में होगा शायद। A few moments later, नहीं दिखा ऐसे जरा। तो गाइस अभी हमें नाइट कैंपिंग तो सोचा, लेकिन यहाँ में ये सब बड़ा वाला है, यहाँ में कैटरपिलर दिखा यार, ये एक बदन में लगने से तेरा क्या हालत होगा भाई, सोचो। तो मतलब ये पूरा फैमिली यहाँ में आया है, तीन तीन है, मतलब और कितना सारा होगा रातों रात पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी खतरा तो उठाने पड़ेगा। अभी क्या बोलेगा यार, मेरे को तो अभी से खुजली लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है कि अच्छे से देखो। ओह माय गॉड, व्हाट द फक इज दिस, वो। 1 hour later, तो गाइस अभी क्या बोलो यार, रात हो चुका है और रात हो चुका है और इधर में हम लोग खाना खाने का टाइम हो रहा है, और आज तो पोर्क खा रहा है, देखो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ में ऑलरेडी घर से थोड़ा पोर्क लाया था और यहाँ में खाना बीच में रख के सब लोग थोड़ा थोड़ा लेके खा रहा है, मतलब शेयरिंग, मतलब ज़्यादा प्लेट्स नहीं है। और अभी ये सब मेरा बिस्तर वस्तर सब रेडी हो गया, खाना खा के सिर्फ सोना है अभी। कैंपिंग बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, लेकिन रात को ज़्यादा हल्ला नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुपचाप से खा रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, लेट्स गो गाइस। यह है रात का नज़ारा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तो फिलहाल। ये रहा हमें बहुत ट्री हाउस, हम लोग का ट्री हाउस, और कहीं बोलो यार, ये देखते रहिए। ये रहा हम लोग का मॉस्किटो नेट, यह मैं अंदर में सोने वाला है। तो गाइस यही है घर, क्या बोलूँ अभी, तो लेट्स गो, देखते रहिए आप लोग। तो गाइस आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी 11 बज चुका है रात का और बहुत ही अंधेरा है, जैसे कि अभी सोने का टाइम हो गया। तो हम लोग बिस्तर बिस्तर सब रेडी है, अभी सोएगा, मतलब आज रात इधर ही रहने का प्लान तो वैसे ही रहा, खाना वाना खा लिया अभी सोने का टाइम, लेकिन भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है जंगल में क्या होता है। तो बस वही है, तो कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट, जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस रात भर सो के उठा, बहुत ही मच्छर काट रहा रात को, लेकिन रात को थोड़ा गर्मी भी लगा, थोड़ा हवा कम था, जैसे कि पहाड़ में होते हुए सोचा था थोड़ा हवा मरेगा बढ़िया आएगा, लेकिन बढ़िया इतना नहीं लगा क्योंकि इतना हवा नहीं था, लेकिन भी सोया, बढ़िया नींद नहीं आया। पीछे में अभी भी सो रहा है, देखो देख सकते हैं पीछे में, और अभी सुबह का 5:30 बज रहे, मैं उठ चुका है और मेरे दोस्त लोग सो रहे हैं, और आपको मैं सुबह का नज़ारा दिखाने का वादा किया था, इसलिए मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ा। तो अगर सब लोग रेडी है देखने के लिए, नज़ारा तो वही बहुत ही बढ़िया है यार, क्या बोलो यार, तो देखते रहिए आप लोग, लेट्स गो। तो गाइस सुबह हो चुका है और मैं थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए। तो रहा है क्या है, रात भर ये ट्री हाउस में रहा, मतलब तीन दोस्त लोग हम लोग, और इस तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, और इधर भी नीचे में पूरा प्लेन एरिया, और अभी मैं थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देखते रहिए कैसा हाल चाल है आस पास में। हेलो, अरे दोंगसो बने, वाह सुबह को कैसे लगता है दिखाता हूँ आप लोगों को।
एक काम कर रहा हूँ मैं, बाद में फ़ोन कैमरा से दिखाता हूँ, अभी ऐसे ही देख लेना। मौसम इतना ठीक ठाक नहीं है, नहीं तो अभी सन राइजिंग वाला दिखाना था, यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया दिखना था, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा शायद, फिर भी पता नहीं। तो गाइस अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। तो गाइस मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया, तो अभी मैं इधर में एक दादी माँ को मिलने जा रहा है, तो जिस दादी माँ को मैं आप लोगों को दिन को मिलाया था, तो वही दादी माँ अभी उठ चुका कि नहीं वही देखने के लिए आ रहा हूँ मैं। तो ये दादी माँ ऑलरेडी यहाँ में अकेला रहता है इतना ख़तरनाक जगह पे, और यहाँ में उसका मुर्गा अभी उठ गया है, वो फिर नाम हम भी तो हम भी अभी यहाँ में आने का मकसद चाय पिएगा, क्योंकि सुबह को चाय चाहिए, और ये दादी माँ का हाथ से चाय पीऊंगा मैं अभी अभी, आप लोग भी पी सकते हैं यहाँ में आने से। तो गाइस देखते रहना, हम सर वही बनाने हम भी इन समकन रहो। तो गाइस यही है दादी माँ का एरिया, तो यहाँ में बहुत सारा, जैसे कि हमें यहाँ में आपको जैकफ्रूट ट्रीज भी मिलेगा, मैंगो ट्रीज, और यहाँ में टिक प्लांट्स है, और यहाँ में यम ट्रीज है, और आम भी का ट्री हाउस ये है, आम भी मतलब दादी माँ, और यहाँ में आम भी, यहाँ में पॉक भी पला हुआ है, पॉक भी है शायद, ओह नहीं नहीं मतलब गॉड है बकरी, और इधर में ग्वावा भी है, आपको सब कुछ मिलेगा। वाओ क्या बढ़िया ही जगह है। तो हम भी यहाँ में ऑलरेडी सेटल हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लगता है ऐसे जंगल एरिया में अकेला रहता है। सोचो ना हम लोग ने 3 आदमी वहाँ में बैठा, लेकिन डर लगता है, लेकिन अभी हम भी यहाँ में अकेला ही रहता है फिर भी डर नहीं लगता हम भी को। तो गाइस यही है इसका खास बात। तो गाइस आप लोग भी देखते रहना और सपोर्ट कर देना मेरे को ऐसा वीडियो देखने के लिए, ऐसा मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आते। गाइस क्या बोलूँ, अभी घर जाने का टाइम हो गया, यही है फाइनल डेस्टिनेशन, अभी घर जाएगा फटक से और अपना काम करेंगे। तो आज का वीडियो इतना तक ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेट्स गो, या।